बाड़मेर जिले की धूरमीना तहसील में जमकर स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हैं कि कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। सीधे संवाददाता भीकाराम का रुख करते हैं। भीकाराम, स्वच्छ भारत अभियान की उड़ रही धज्जियां, जिम्मेदार अधिकारी सो रहे हैं कुंभकर्ण की नींद, क्या कहेंगे आप इस पर? जी सर, उनको अधिकारियों को अभी तक कुछ पता नहीं है, अधिकारी कोई इसके बारे में डिसीजन लेते नहीं है सर। हमने भी कई बार शिकायतें की, लेकिन हमारी शिकायतें उन्होंने आज तक वो कोई डिब्बे में डाल दी है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। जी भीकाराम, तहसील में छोटे कर्मचारी से लेकर तहसीलदार, SDM और खुद विकास अधिकारी भी बैठते हैं, लेकिन फिर भी ये हाल है, जिम्मेदार कौन है? सर जी, इसके बारे में हमने भी कई बार अवगत करवाया, जो तहसीलदार जी और SDM जी, SDM साहब को तो मैंने अवगत नहीं, लेकिन तहसीलदार साहब को तो अवगत करवाया और जो छोटे छोटे अधिकारी उनको भी कई बार अवगत करवाया, लेकिन उनके बारे में भी आज तक कोई ध्यान नहीं दिया सर जी। भीकाराम, सरकार स्वच्छ अभियान पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन तस्वीर देखकर सवाल ये उठता है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है? उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो रहा है सर जी। भीकाराम, क्या तहसील में बैठने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की नजर इस ओर नहीं पड़ती? सर बिल्कुल यस दिखती है, वो ऊपर मान आंखों से मतलब देखते नहीं है और मुंह से मान देखकर हाथ पे हाथ बैठाकर उन्होंने मतलब वो अनदेखी देख कर चले जाते हैं, वो सराय पे है लेकिन अनदेखी देखते हैं सर जी, देखते नहीं है। वहीं आपके आम लोगों से अगर इस मुद्दे पर बात हुई हो तो लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? लोगों का यही कहना है कि हम इसी गंदगी के तहत जो ये ज्यादा गंदगी हो जाएगी तो इससे मच्छर पैदा होंगे, मच्छर से हमारे साथ हमारे कई बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है, हम इस बीमारी से कुछ भी हमारे साथ में ये बीमारी बड़ी बीमारियां हो सकती है और क्या पता इस बीमारी से कितना आगे नुकसान हो सकता है, उनका कोई अनुमान नहीं लगा सकते। शुक्रिया भीकाराम आपका हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गंगापुर सिटी में बाइक चोर की संदिग्ध हालत में मौत और मॉब लिंचिंग मामले में बेकसूर लोगों को पकड़ने को लेकर आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस खबर पर सीधे संवाददाता सलीम खान का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हमारे संवाददाता सलीम खान का रुख करते हैं। सलीम, क्या है ये पूरा मामला, जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। मैडम, यहाँ पर आज काफी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है जी, और विरोध प्रदर्शन के अंदर आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी लोगों ने तहसील के सामने धरना प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। यहाँ पर देखा जा सकता है कि आम जन में भारी रोष है और लोगों के एडिशनल स्टाफ के सामने जब अपनी बातें रखी तो कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। सलीम, आज क्या हुआ इस मामले में, क्या कुछ कार्रवाई हुई? इसके अंदर जो मृतक खुशीराम है उसकी मौके वारदात पर ही मौत हो गई और मौत का कारण लोगों को बताया जो कि गलत है जी। सलीम, यहाँ मॉब लिंचिंग का मामला सामने आ रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैम, यहाँ पर पुलिस का मामला सामने आ रहा है, पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है और हर तरीके से शांति बनाए रखने के लिए कार्यरत है। यहाँ पर एडिशनल SP साहब आए हुए हैं, ज्ञापन भी दिया था उसके अंदर मांग रखी गई है। मैं आज 52वां तहसील के अंदर पूरी रूप से बाजार बंद रहा, लोगों ने प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, आम आदमी के अंदर रोष व्याप्त है ये देखा जा सकता है। शुक्रिया सलीम, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, कुछ भी अपडेट होगा तो हम आपके और फिर से रुख करेंगे।